Don't move. अर्जुन, उस दिन तेरी बीवी और बच्चों के साथ तुझे भी मार देना चाहिए था। मैंने तुझे छोड़ के गलती की। तलाशी लो। अर्जुन, तूने हथियार वाला जहाज कहाँ छुपाया? बता बता। नहीं बताए तो तू मरेगा। जिस दिन तुम लोगों ने मेरी पत्नी और मेरी बेटी को मारा था, मैं तो उसी दिन से ही मर गया था। मुझे मौत से डर नहीं लगता।
अगर इसी वक्त यह बम फट गया तो तुम लोग भी मेरे साथ मरोगे। यस, जयकाल स्पीकिंग। हाँ, मैं डायमंड मिल का मालिक सत्यनारायण बोल रहा हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो जयकाल। जयकाल, तुम्हें एक आदमी को खत्म कर देना है। ये तो मेरे लिए बाया हाथ का खेल है। कौन है वो? इंडिया से वामसी नाम का डिजाइनर बच्चा ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, उसको तुम समझ गए ना? हम नहीं नहीं नहीं, तुम कुछ मत बोलो। इंटरपोल भी इस इंटरनेशनल किलर जयकाल को नहीं पकड़ पाया। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, उसका पिक्चर फैक्स करो। With your permission, thank you. बहुत भूख लगी है, चलो ना रेस्टोरेंट चलते हैं। एयरपोर्ट पर रेस्टोरेंट? कहाँ रेस्टोरेंट, हमेशा खाने के बारे में सोचती रहती। मुझे भूख लगी है। भूख लग रही है, भूख लग रही है बोलकर फ्लाइट में इतना सारा खाई। अरे भूख कर हमारे हिस्से कब खा गई? शट अप। ए, झगड़ा बंद करो, मैं अभी आ रहा हूँ। ये क्या वंशी? अरे व्हाट? अच्छा बॉक्स ओपन नहीं हो रहा है, मैं ओपन कर दूं? लाइए लाइए। नो नो नो, लाइए ना। नो प्लीज, ट्रम्पेट। ट्रम्पेट बॉक्स में ट्रम्पेट ही तो होगा। सीट। आर यू ऑलराइट? या। मिस्टर वामसी, आपकी डिजाइन को पॉपुलर करने के लिए हमने आपको आपके बैच के साथ ऑस्ट्रेलिया टूर में बुलाया है। हेलो, जयकाल स्पीकिंग। वामसी का क्या किया? वामसी मेरे सामने वाली बिल्डिंग में है, जस्ट अपोजिट। आपको कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए जिस जिस चीज की जरूरत पड़ेगी उन सब में हम आपकी मदद करेंगे। सो प्रिपेयर फॉर द टूर। डेफिनेटली सर, ऑल द बेस्ट। यहाँ से ही मैं उसकी मूवमेंट पर नजर रख रहा हूँ। अरे कब तक उसके मूवमेंट पर नजर रखेगा, खत्म करो उसे। शिट, ज्यादा मत बोल। डिजाइन क्रिएट करने के लिए ब्रेन चाहिए, ब्रेन का काम मैं करता हूँ, तू मेरी जेब का ध्यान रख। क्या कहा? दिमाग को जेब में रखेगा? कैसे? वेरी सिंपल, ऑस्ट्रेलियन हथियार बूम बैंग है। बूम बैंग क्या है? अरे तू ये दिन में रासलीला की बातें मत कर, समझा? शिट, यू मीन सेक्स? नो, आई कांट हेल्प। बूम बैंग का मतलब शार्प हथियार होता है। इसको चलाऊंगा तो ये जाकर वंशी का सिर धड़ से अलग करके वापस मेरी जेब में आ जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। अच्छा समझा। वंशी आ रहा है। वाओ वंडरफुल, एक महीना ऑस्ट्रेलिया में एंजॉय करेंगे। एंजॉय नहीं करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, समझी? ठीक है, मैं तो सामने ही हूँ। तुम्हें देखने के लिए यहाँ आने की क्या जरूरत है, इंडिया में भी देख सकता था। यू अरे बाप रे बाप, ये तो मेरे पीछे ही आ रहा है। वंशी, तुमने कहा था कि आज हम रेस्ट करेंगे,
इसीलिए हम वापस कैसीनो में चलते हैं। वहाँ $1 से हम $1,000 बना लेंगे। इसकी बात पे भरोसा मत करना। इसने कल मेरी जेब से $100 निकाल के पूरे के पूरे खर्च कर दिए। आज कॉमेडी शो चलेंगे। कॉमेडी शो कैसीनो बहुत हो गया, टॉस करके देखते हैं। भगवान मुझे जिता दे, जिता दे। हेड जाएगा हेड। अबे किधर डाल दिया? अरे वंशी देखो तूने, डॉलर तो सीधे गुल्लक में चला गया। मेरा डॉलर छोड़ ना यार। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं, वो मेरा डॉलर है। अरे कहां जा रहा है? अरे लेके आता हूं। सुनिए जी, मेरा डॉलर आपकी ड्रेस में घुस गया है जी। डॉलर आपका है? अरे आप तो इंडिया से हैं। मेरा डॉलर एक रुपए के लिए इतना नाटक? आपके लिए एक रुपया होगा, मेरे लिए 54 है ना, दे दो ना। अरे वंशी वो हमारे छोटू को पूरा निचोड़ लेगी, अभी क्या करें? और चाहिए? तूने शराब पी है? मैंने कब पिया? नाटक करना छोटू में हाथ उठाती है। ये तुझे छोटू दिखता है? इतना बड़ा हो गया, 30 साल का घोड़ा लगता है और तू छोटू बोल रहा है? ये अक्ल से बच्चा है, बड़ी बड़ी हो गई है लेकिन ब्रेन बड़ा नहीं हुआ। ये दोनों मेरे गेस्ट हैं, मेरे भरोसे इतनी दूर आए हैं, इनके साथ कुछ भी गलत होगा तो मेरे पास आके रोएंगे। अरे बस चुप हो जाओ, क्या हो गया? मैं रोना बंद नहीं करूंगा, मेरा डॉलर फंस गया है। चुप हो जाओ। मैंने विस्की समझ कर ये डब्बा छीना तो ये मुझे ही मारने लग गई। ऐसे मार रही थी जैसे कोई बंदर, ये बंदर से बदला ले रही है। बंदर ये किसको बोल रहा है? इतना अच्छा ड्रेस खराब कर दिया और मैं चुप रहूं? आपको अपने कपड़ों से प्रॉब्लम हो गई है, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। Hey mister, what are you doing? फैशन तो पेरिस में हर घंटे बदलता रहता है। आपने ड्रेस सुबह पहना था ना, अभी ये फैशन बदल गया है। प्लीज हिलो मत। हमारा वंशी वर्ल्ड का नंबर 1 फैशन डिजाइनर है, जानती हो? ज्यादा हिलो मत नहीं तो कुछ कट जाएगा। तुम्हारी ड्रेस तो बहुत अच्छी लग रही है। इस डॉलर के लिए हमें तुमसे मार खानी पड़ी, शुक्रिया मैडम। एक कॉइन के लिए तुम सबने मिलके इतना नाटक किया ना? या अगर ये नाटक है भी तो भी तुम्हारी ड्रेस तो अच्छी हो गई ना, यकीन नहीं तो अपनी फ्रेंड से पूछ लो। तेरी ड्रेस तो बहुत अच्छी लग रही है। हाँ सच में। शट अप। हेलो जयकाल, मैं इंडिया से सत्या बात कर रहा हूँ। या सच्चा टेल मी। अबे मैं तुझे ऑस्ट्रेलिया का इतना बड़ा किलर समझता था, तूने मेरा सारा बिजनेस चौपट कर दिया। एक छोटे से बच्चे को तू मार नहीं पाया, तू कैसा किलर है भाई? अच्छा ठीक है, तू वामसी की कम से कम डिस्क चुरा ले, मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ भाई। यू मीन नो किलिंग ओनली डिस्क? बट प्राइस इज सेम। काम मत कर, पैसे अच्छी है। सुन मैं जो बोलता हूँ वो कर। शट अप। फोन रख दो, बाय। कौन था ये? एक झंडू को मर्डर करने का काम दे दिया, अब यही होगा। अरे यार वंशी कहाँ रह गया? ट्रेन का छूटने का टाइम हो गया। ये शिल्पा कहाँ रह गई? ट्रेन छूटने वाली है। Attention please, the next train is ready for departure. Thank you. अरे चल जल्दी करो। हम काफी अजीब अजीब तरह से मिल रहे हैं ना। फर्स्ट टाइम उस कॉइन की वजह से मिले थे, इस बार किसी के खाली रिजर्व कंपार्टमेंट में घुस गए। नेक्स्ट स्टेशन 3 घंटे तक तो नहीं आएगा, क्यों ना हम आपस में बातें करें तो वक्त का पता ही नहीं चलेगा। नो थैंक्स। ओके सब दिखता है ना। The great love story. क्या है? कुछ नहीं, तुम पढ़ो लव स्टोरीज। इस उम्र में लव स्टोरीज नहीं पढ़ोगी तो कब पढ़ोगी? वैसे तुम्हारी उम्र क्या है? तुमसे मतलब? हाँ ये जरूरत तो नहीं है, मैं कौन सा तुमसे शादी करने वाला हूँ। बहुत पढ़ने पढ़ लिए हैं, लव करने के बारे में कुछ सोचा है क्या? ओ गॉड, मुझे पकाना तुम बंद नहीं कर सकती हो क्या? मैं पका रहा हूँ, जानती हो इंडियन ट्रेन में होती तो क्या होता? क्या होता है वहाँ? क्या होता है चलो बताता हूँ।
फर्स्ट अनाउंसमेंट सुनिए। योर अटेंशन प्लीज, ट्रेन नंबर 706 देवगिरी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर थोड़ी देर में पहुंचने वाली है। पैसेंजर खुश हो जाते हैं। तुम्हारी जैसी एक लड़की लव स्टोरी की किताब पढ़ रही है, मेरे जैसा लड़का दो सीट के बाजू में बैठा है। ट्रेन जा रही है। कंपार्टमेंट पूरा भरा हुआ है। क्यों भाई नायडू, एमएलए के लिए खड़ा हो रहा है क्या? ये क्या खड़ा होगा, इसका डिपॉजिट भी नहीं मिलेगा। मम्मी मुझे आइसक्रीम चाहिए। ए, मेरे ऊपर क्यों गिर रहा है? अरे छोटा बच्चा रो रहा है ना। अब ये क्या हुआ? बुड्ढे को खांसी आ रही है। इसी हलचल के बीच में वो लड़की किताब पढ़ने की कोशिश कर रही है और वो लड़का उसे लाइन मार रहा है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। ट्रेन आकर स्टेशन में खड़ी हो गई। अब वहाँ की हलचल सुनाओ। चाय 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 चाय, कॉफी कॉफी कॉफी, डोसे डोसे डोसे, सिगरेट छोड़ा सिगरेट छोड़ा सिगरेट छोड़ा सिगरेट छोड़ा, सिगरेट और सोडा है। ए, आओ। अब क्या हुआ? अरे पैर मार रहा है। ए, पैर क्यों मार रहा है मुझे? ट्रेन में मैं नहीं चढ़ूं क्या? ट्रेन वापस जाने लगती है। ऐसी हलचल के बीच में तुम लव स्टोरी कैसे पढ़ सकती हो बताओ? थैंक गॉड स्टेशन आ गया। अरे वो रहा वंशी, डॉलर वाली लड़की के साथ कैसे आ रहा है? क्या भाई घबरा गए क्या? अरे हम लोग सोच रहे थे तू वहीं छूट गया। ठीक है चलो। इसका मतलब तुम इतनी देर से डिजाइनर के साथ टाइम पास कर रही थी ना? शट अप। वंशी क्या बोल रही थी वो लड़की? तुम थोड़ी देर चुप रहोगी तो मैं अपना काम खत्म कर लूंगा। माय गुडनेस, सॉरी। लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। तुम बहुत भाग्यशाली हो बाबू। वो किस लिए? तुमने मुझे फिर से दोबारा देख लिया। आई एम अ ब्लाइंड मैन। ओह आई एम सॉरी। ओह इट्स ओके। लेकिन आप जैसे आदमी को मैंने कहीं देखा था। जरूर देखा होगा बाबू, इसलिए कि एक आदमी की तरह सात आदमी होते हैं। मैं छठवां आदमी हो सकता हूँ, आप या तो सातवें या तीसरे आदमी को देखे होंगे। वेरी गुड, डिजाइन बहुत अच्छा है। थैंक्स, इट्स ओके। क्या कहा तुमने? डिजाइन बहुत अच्छा है कहा था बाबू। तुम्हें तो दिखाई नहीं देता ना। मुझे अंधेरे में बहुत अच्छा दिखाई देता लेकिन है। लेकिन तुम तो डिजाइन की बात कर रहे थे। मुझे अंधेरे में सब कुछ डिजाइन जैसा ही दिखाई देता है। ए मस्तान, ये डिश को बैग में रख दे, अपने सारे डिजाइन इसी में है। हेलो सर, मेरा नाम मस्तान है। मेरा बंसी है सर। अच्छा तो आप आंध्रा ब्लाइंड है? नहीं, ब्लाइंड आंध्रा। ये लालटेन कब से बुझी है सर? 5 मिनट पहले से। 5 मिनट से? मतलब 5 साल। ओह, आपकी आंखें कैसे गई? आपको कब से दिखाई देना बंद हुआ? मेरी आंख को जब मैं घर पर सो रहा था तो किसी ने नोच कर खराब कर दिया। सर आपको सच में थोड़ा सा भी दिखाई नहीं देता क्या? अगर थोड़ा थोड़ा दिखाई देता तो फिर मैं डंडा लेकर क्यों चलता भाई? सर आपका सेल बज रहा है। जानता हूँ, मुझे सुनाई देता है। हेलो हेलो जयकाल, तुझे डिस्क मिली क्या? सच्चा? अरे डिस्क मिली क्या तुझे? सच्चा? अरे कैसा पैसा? पैसा बाद में, पहले ये बता तुझे डिस्क मिली या नहीं? सच्चा? सत्य सत्य बोल रहे हैं? आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? हाँ, एक ही गर्लफ्रेंड। एक ही गर्लफ्रेंड है? अबे मैं डिस्क के बारे में पूछ रहा हूँ और तू क्या बाकी जा रहा है, दिमाग खराब है क्या? सच्चा तेरा दिमाग खराब है, मेरी बात सुन। बगल में वो लोग हैं, बाद में बात करता हूँ। बगल में? अच्छा अच्छा अच्छा। कौन
कौन है आप? अरे तुम मेरा बैग क्यों ले जा रहे हो? ये आपका बैग है बाबू, मैं अपना डंडा समझ कर ले लिया था। स्नेहा लगेज चेक करो यार, नेक्स्ट स्टेशन में हमें उतरना है, रात को वहीं रुकेंगे। वहीं रुकेंगे? लेकिन इंडियन रेस्टोरेंट में अच्छा म्यूजिकल प्रोग्राम होगा, ये तो पता है ना। कितना अच्छा वायलिन बजा रहा है ना। जानती भी हो वो कौन है? कौन है? ऑस्ट्रेलिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वायलिनिस्ट। अच्छा, ग्रेट, फैंटास्टिक। आजकल म्यूजिक के बारे में कुछ समझ में आए या ना आए, ग्रेट, फैंटास्टिक कहना तो फैशन हो गया है। फिर जो वायलिन बजा रहा है उसमें स्टैंडर्ड नहीं है, यही कह रहे हो ना? क्या स्टैंडर्ड है, नॉट बैड, और 10 साल प्रैक्टिस करेगा तो अच्छा हो सकता है। इनका म्यूजिक समझने के लिए ना दिमाग चाहिए जो इनके पास नहीं है, यूजलेस फेलोज। असल में राग और हाई पिच क्या होता है ये जानते भी हैं क्या? जिसको नहीं आता उनके लिए मुश्किल ही होता है, लेकिन मैं इससे हाई पिच में बजा चुका हूँ। क्या अपनी तारीफ करना अच्छा नहीं लगता? मैं करता हूँ ना। सुनो डॉलर गर्ल, मेरा वंशी बचपन में वायलिन लेकर पैदा हुआ था, और जब इसने पहली बार वायलिन बजाया था ना तो मोहल्ले के सारे पक्षी इसके पास आ गए। यू नो दैट? रियली? यस। हाँ, एक बात बताओ वंशी, उस दिन वो नंबर वन वायलिन प्लेयर तुम्हारे पास डाउट क्लियर करने आया था ना? अरे वो क्या है ना, वो रंगास्वामी नायडू जी है ना, अरे फेमस वायलिनिस्ट, उन्होंने आधी रात में आके मेरा दरवाजा खटखटाया। बाबू मैं इतनी रात को रामोजी राग गाते समय बीच में अटक गया हूँ, तुम्हारे पास कोई उपाय है तो मदद करो। अच्छा अच्छा। मुझसे उनकी तकलीफ नहीं देखी गई। मैंने कहा गुरुजी अपने राग को थोड़ा ऊपर से नीचे लाइए और थोड़ा सा राइट कट मारिए, फिर लेफ्ट मार के थोड़ा ऊपर जाइए तो सब सेट हो जाएगा। ये सुनकर उन्होंने मुझे गले लगा लिया, फिर तो उनके सारे के सारे प्रोग्राम हिट हो गए, फिर उसके बाद उनकी निकल पड़ी। ये आवाज सुनी हुई लगती है ना? अरे यार ये डॉलर गर्ल कहाँ गायब हो गई? Today one of India's greatest violinists is here. I would like him to play the violin once and make this evening more memorable. Ladies and gentlemen, presenting Mr. Vamsi. अरे बाप रे, तेरी तो लग गई Vamsi, अब क्या करेगा तू? Come on, Mr. Vamsi. Ladies and gentlemen, let us give him a big hand. हाय, ये क्या है? तुमने तो कहा था जब तुम वायलिन बजाते हो तो सारे पक्षी तुम्हारे सामने नाचते हैं, पकड़ो। बहुत बोल रहा था ना? Very bad. Mad. Totally mad. I'll take this. हेलो, ये ऑलरेडी मैंने ले लिया है। I bought this. मैंने कहा ना मैंने ले लिया है। How much is this? How much क्या? कहा ना मैंने ये खरीद लिया है। तुम कोई और ले लो। Do you have another one like this? Not. तुम्हारी किस्मत ही ऐसी है। ये मुझे चाहिए। पर मैंने सेलेक्ट तो किया है। पर पहले मैंने देखा था इसे। ये सब फालतू बातें बंद करो, मैं नहीं दूंगा। पर तुमने पे थोड़ी ना किया। पैसा पे नहीं किया, यही प्रॉब्लम है ना, अभी देता हूँ। नो। क्या नो? Oh my God, इसे पकड़ो। Oh no!
प्लीज वेट वेट। ओह गॉड, सॉरी, ऐसा होगा मैंने सोचा नहीं था। इसका कारण तुम हो। जब से तुम मुझे मिले हो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होते जा रहे हैं। नेक्स्ट ट्रेन पकड़ के। डोंट टॉक टू मी, जस्ट लीव मी अलोन। एक्सक्यूज मी, वेयर इज द नेक्स्ट ट्रेन टू पर्क? देयर इज नो मोर ट्रेन टुडे, ओनली 9 o'clock टुमारो मॉर्निंग। जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाओ, चिंता मत करो। हम टैक्सी या बस पकड़कर नेक्स्ट स्टेशन से ट्रेन पकड़ लेंगे। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, नेवर, मैं खुद चली जाऊंगी। हम दोनों को एक ही जगह जाना है, चलो चलते हैं। मेहरबानी की जरूरत नहीं, गुड बाय। Excuse me, miss. You are from which country? India. May I see your passport, please? My passport is in my bag, and my bag is in the train, which I missed. Try to understand, officer. I'm sorry. Please, sir, believe miss, me. Miss, cooperate with us. Your passport, no, please. No, sir, I'm. क्या हुआ शिल्पा? तुम कहाँ चली गई थी? हाँ, जानती हो मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढा? शिल्पा, मुझे लगा तुम मुझे छोड़ के चली गई। तुम्हें मेरी जरा सी भी परवाह नहीं है। You know how many places I'm searching for you? Excuse me. Who are you? She's my wife, sir. I'm her husband. We are on holiday, you know. Why don't you check my passport? Thank God I got my wife. Thank God. Thanks a lot, officer. Thanks a lot. Oh, that's fine. चलो चलते हैं। तुमने मुझे वाइफ क्यों कहा? वाइफ नहीं बोलूं, तो भगा कर लाया बोलूं? मुझे बचाने की जरूरत नहीं, मैं जानती हूँ कैसे बचना है। जानती हो? पासपोर्ट ना होने पर जेल में डाल देते तो समझ में आता। तुम ट्रेन में मेरे पीछे पड़ गए। जब से तुम मेरे साथ में हो, पुलिस का लफड़ा, मुझे वाइफ कहा। मुझे तो लगता है तुम्हारे दिमाग में कोई गंदी प्लानिंग चल रही है। प्लान? मैंने प्लान किया? तुम क्या सोचती हो, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारी ऐसी 100 मिलेंगी। गो टू हेल। मैं चला। आखिरी बार तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हें जरूरत हो तो मेरे साथ आओ। नहीं आओगी क्या? ओके। रुको। सीट बेल्ट बांधना पड़ता है। मैं जानती हूँ। सॉरी। हाँ? सॉरी। हाँ? सॉरी। यू कैन हियर ओनली व्हेन आई शाउट। जोर से कहने में शर्म आ रही है क्या? सॉरी वंशी, मैं आज अपनी गलती से यहाँ फंस गई हूँ। तुमने मुझे लिफ्ट दिया, इसके लिए थैंक्स, ये कहना चाहिए, लेकिन नहीं कहूँगी। ईगो हर्ट हो रहा है ना। प्लीज, विल यू प्लीज ड्राइव विदाउट टॉकिंग। मेरी गाड़ी है, मैं जैसे चलाऊं। क्या हुआ? गाड़ी बंद हो गई है। वो तो मैं भी जानती हूँ, पर क्या हुआ इसे? मैं कैसे बताऊँ, मैं मैकेनिक नहीं हूँ। तो ये खटारा क्यों लेकर आए? भाड़े पर लाया हूँ। अच्छी कार नहीं ला सकते थे? उसके लिए बहुत पैसा चाहिए। तुम्हारे पास है क्या? अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे मतलब, पैदल चलना पड़ेगा। मैं पैदल नहीं चल सकती। अच्छा, पैदल नहीं चल सकती। ठीक है, बीच में कोई होटल दिखाई देगा तो रात वहीं गुजारेंगे, सुबह उठकर कोई बस पकड़कर चले जाएंगे। रूम तो अच्छा है, बेड एक्सीलेंट। बाप रे, बहुत ज्यादा ठंड है। ठंडे देश में आई हो तो ठंड तो लगेगी ना। एक काम करते हैं, लकड़ी लाकर जलाते हैं, ठंड दूर हो जाएगी। तो चक्कर लकड़ी लेकर आओ। मैं जाऊं? ठंड तो तुम्हें लग रही है, मुझे थोड़ी ना, तुम जाकर लाओ। आधी रात को तुम मुझे लकड़ी लाने भेज रहे हो, तुम्हें जरा सी भी इंसानियत नहीं तुम है? सोच रही हो इस तरह की इमोशनल बातें सुनकर मैं लकड़ी ले आऊंगा? अभी तक मैंने तुम्हारे लिए बहुत काम कर लिया है, तुम जाकर लाओ। वंशी, वंशी, हैप्पी बर्थडे शिल्पा। ऐसे घूर क्या रही हो, चलो केक काटो।
तुम्हें कैसे पता मेरा बर्थडे है? तुम पेरेंट्स से बात करी थी, मैंने सुन लिया। चलो ये सब छोड़ो, पहले केक काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर शिल्पा। बर्थडे तुम्हारा है। आज मेरी इस बर्थडे पर मेरा कोई भी दोस्त इस सेलिब्रेशन में मौजूद नहीं है। आज मैं बहुत खुश हूँ वंशी, थैंक यू। इसमें क्या है, बर्थडे सेलिब्रेशन खत्म हो गया, सुबह जल्दी उठना है, चलो सो जाते हैं। मेरा रूम कौन सा है? यही है। यही है, मेरे लिए दूसरा रूम बुक करो। तुम्हारे लिए अलग रूम लूँ, अपने लिए अलग रूम लूँ, इतना पैसा नहीं है मेरे पास। तो फिर मैं कहाँ सोऊंगी? यहाँ जगह है ना, आकर सो जाओ। चीची, मैं तुम्हारे साथ इस बेड पे सोऊं? फिर तुम सोफे में सो जाओ। मुझे इसी वक्त दूसरा रूम चाहिए, मैं यहाँ बिल्कुल नहीं सोऊंगी। वेरी गुड डिसीजन, मैं अकेले यहाँ से वहाँ गुलाटी मार के सोऊंगा। ओह बॉयज, यू विल नेवर चेंज। थैंक यू। जरा वो दरवाजा बंद करके जाना, बीच में आकर मुझे डिस्टर्ब मत करना। गुड नाइट। हेलो, देखो ठंडी बहुत ज्यादा है, तुम थोड़ा वाइन पी लोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। मुझे तुम्हारी वाइन नहीं चाहिए, अपने सिर पे डाल लो। सिर पे क्यों डालूं? गले के अंदर डालूंगा, तुम्हारे केक पे डालूं क्या? Shut up and get lost. ओके। बहुत ठंड हो रही है, तुम कैसे झेल रही हो? गुड नाइट। गुड मॉर्निंग, कॉफी। मैं यहाँ पर कैसे आई? मैं उठा कर लाया। और मेरी ड्रेस? ठंड से गीली हो गई थी ना, इसलिए मैंने बदल दी। ये सब बात बाद में करेंगे, पहले कॉफी पी लो, ये टेबलेट भी ले लो। मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं क्यों टेबलेट खाऊं? ये टेबलेट कोई बीमारी दूर करने के लिए नहीं है, 9 महीने के बाद कहीं वो ला, उसको रोकने का टेबलेट। What? ऐसे कह रही हो जैसे कुछ जानती नहीं। रात को तुम बहुत तड़प रही थी, मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाया। फिर क्या हुआ? वो क्या है ना, शादी की फर्स्ट नाइट जैसा होता है ना, वैसा ही कुछ हो गया। You rascal! मैंने तुम पे भरोसा किया और तुमने मेरा फायदा उठाया। इतने दिनों से तुम मेरे साथ शराफत का नाटक कर रहे थे। अब क्या हो सकता है, ये टेबलेट तो खा लो। You idiot! I hate you! I'll kill you! अरे, प्रॉब्लम क्या, टेबलेट तो लाया हूँ। Get out! अरे, I hate you! Don't cry, dear. You'll be all right. Take this tablet. Tablet? For what? For your cold. What happened last night? You were out in the cold last night when you fainted. She'll be all right. Saved you. He's a really sweet boy. Here, change your dress. वंशी, मैं जानता हूँ तुम क्या बोलने वाली हो। मैं तुम्हें जाना पहचाना सा लगने लगा हूँ। ये फ्रेंडशिप है, प्यार है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और तुम अपना सर मेरे सीने में रखना चाहती हो, है ना? शिल्पा, मुझे भी तुम्हारी तरह कुछ ऐसा ही लगने लगा है। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तुम सोच रहे हो मैं ऐसा कहूँगा? ये सब प्यार मोहब्बत, मैं इस पे भरोसा नहीं करता। मेरी शर्ट कहाँ है? शर्ट मुझे ड्राई क्लीन करके चाहिए। प्यार के बारे में बाद में सोचेंगे। ये वंशी अभी तक क्यों नहीं आया? कंगाल हो गया, पैदल आ रहा होगा। पता नहीं वो रात भर कहाँ रहा होगा, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है।
तुम टेंशन लेके हमें टेंशन मत दो। वंशी कहीं भी हो इधर आता ही होगा, इसीलिए हमें उसका इंतजार यही करना होगा। देखो तुम टेंशन बिल्कुल मत लो, तुम्हारी दोस्त भी आती ही होगी। कितनी हो तुम? सामान संभालो, हम खाने को कुछ लाते हैं। चलो। अरे ओ जकल, क्या तुमसे काम धाम तो कुछ होगा नहीं, बस बात है बनाते रहो। अरे अब मेरा काम भी करो यार। द ग्रेट डिजाइनर वंशी का बैग गायब करना है। उस बैग के अंदर डिस्क मिलेगा, डिस्क। हाँ, उस दिन अंधे की एक्टिंग की, अब क्या पागल बनेगा तू? सीट 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 सीट, नो डोंट इंसल्ट मी। ओह ओह, कूल कूल कूल, सच्चा आई विल प्रूव माइसेल्फ। वंशी का बैग कैसे गायब करना है ये मैं तुझे करके दिखाऊंगा। अरे भाई अभी सब समझ में आ गया, इसने ट्रेन में अंधे की एक्टिंग इसलिए की ताकि वंशी का बैग चुरा सके। अरे मुझे तो पहले से ही शक था, उसी समय लाइटर से जला देता। अभी इसके नीचे रुक जा, अभी रुक जा, इसको मैं अभी मजा चखाता हूँ। Come on, let's have a beer. Oh, अरे कॉफी पीना यार, लगेज को इस तरह यहाँ कैसे छोड़ सकते हैं? छोड़ना, तुझे क्या टेंशन है? ओह, अरे वंशी का पूरा डिजाइन इसी में पड़ा है, अगर ये डिजाइन घूम गया तो शो कैंसिल, वंशी फिनिश। ए पागल, तू यहाँ के बारे में नहीं जानता। तू अपना पर्स भी छोड़ के जाएगा ना, तेरे वापस आने तक तेरा पर्स यही रहेगा छोटू। ये इस देश की खासियत है। अच्छा, चल फिर चलते हैं। तू फालतू में टेंशन लेता रहता है। सूट बूट में आया कन्हैया बैग चुराने को। ओह, इट्स रियली हार्ड। एक्सक्यूज मी, इज दैट योर बॉक्स? यस, दैट्स माय बॉक्स। योर बॉक्स? यस, दैट्स माय बॉक्स। व्हाट्स द प्रॉब्लम? यू आर द प्रॉब्लम। ओह, और बार। Hey, that'll do. This guy should be shot. अब वो हमारा पीछे कभी नहीं करेगा। दुलाई हुई उसकी। सही कहा। अब दोबारा वंशी के बारे में सोचना। देखो वंशी आ गया। अरे वंशी, हमें टेंशन हो रही थी, तू कहाँ चला गया था? हम चले गए थे, हम कितने टेंशन में थे पता है? टेंशन किस बात की, हम तो कार में आराम से गप्पे मार के आ रहे थे। तुम दोनों एक ही कार से आए, एक ही साथ जर्नी कर रहे थे, कहीं रुके भी थे क्या? तुम लॉयर की तरह सवाल पूछना बंद करो, ट्रेन आ गई, चलो। मैं अपना हैंड बैग ट्रेन में भूल गई हूँ, तुम लोग ये बैग लेकर आगे चलो। हाँ ठीक है। ए मस्तान, लगता है फ्लॉपी भूल गया, अभी लेकर आता हूँ। बेचारा क्या, मैं लेकर आ रहा हूँ ना। तुम क्या ढूंढ रही हो? हाँ? लगता है कुछ छूट गया। हाँ, तुम भी कुछ ढूंढ रहे हो? मेरी भी एक जरूरी चीज गुम हो गई है। आपकी जरूरी चीज अगर मुझे मिल जाए तो मैं किस एड्रेस पे भेजूं? फिर तो हमें जरूर मिलना चाहिए, मिले तो इस एड्रेस पे भेजना। अगर तुम्हारी खोई हुई चीज मुझे मिल गई तो तुम मुझसे मिलकर ले सकती हो, ये तो मेरा ही एड्रेस है। बाय बाय। हाय स्नेहा। हाय हाय हाय। हाय वंशी। हाय शिल्पा, बैठो। शो की रिहर्सल चल रही है। हमारा शो बस होने ही वाला है, इसलिए थोड़ा प्रेशर है। डोंट वरी, तुम डेफिनेटली जीतोगे। वंशी, ये अच्छा लग रहा है ना? नहीं, नहीं चाहिए, प्लीज मुझे नहीं चाहिए। वो नहीं यार। तो फिर ये पहनो। ये क्या है? इसे आप ट्रेन में भूल गए थे। बहुत संभाल कर लाई हो ना। इसका मतलब जब समझ में आए तो मुझे भी जरूर बता देना। जरूर बताऊंगा। अच्छा सुनो, मैं तैयार है ना, सब याद करके ले आओ। अभी तक तुम तैयार नहीं हुए? अरे बंसी, अभी तक तू क्या कर रहा था? हे! अरे बहुत अच्छा। शो शुरू होने में 2 घंटे बाकी हैं। स्नेहा, तुम भी अभी तक तैयार नहीं हुई। Just 5 minutes. मैं कुछ नहीं जानता, 5 मिनट में तैयार हो जाओ। ओके, चलो चलो चलो, कम ऑन गर्ल्स।
स्नेहा, ये तेरा गिफ्ट है क्या? नहीं, वामशी को किसी ने दिया है। लगता है वो लवर है। लवर है, ये तुम कैसे कह सकती हो? ये इस कंट्री का लवर्स गिफ्ट है। अक्सर प्यार करने वाले आई लव यू कहने के लिए ये गिफ्ट देते हैं। क्या हुआ डॉक्टर? Nothing to worry. She needs rest for a week. क्या एक हफ्ते का रेस्ट? इसका तो दो तीन घंटे के बाद स्टेज शो है। Impossible. वाट लग गई, प्रोग्राम कैंसल। सक्सेस, ग्रैंड सक्सेस। वॉम्सी डिजाइन प्रेजेंट नहीं कर सकता। अबे तूने तो क्या किया, डिटेल में बता। तूने क्या उसके पैर पकड़े थे? शीट शीट शीट, मजाक मत करो, आई विल किल यू। तो बकवास क्यों कर रहा है? रेडियो के एड की तरह मत सुना। जो तूने किया है वो डिटेल में बता मुझे। यस, बताता हूँ, सुनो सच्चा। दुनिया में किसी ने नहीं किया ऐसा मास्टर प्लान करके उसका पैर तोड़कर बेड पर सुला दिया। यस, बेड पर। किसको? वामसी को? तुम्हारी तरह मूर्ख ऐसा ही सोचेंगे। मैंने वामसी का पैर नहीं तोड़ा, वामसी का डिजाइन जो लड़की प्रेजेंट करेगी मैंने उसका पैर तोड़ दिया। इस जयकाल का प्लान वामसी समझ नहीं पाया, इसीलिए मात खा गया। No, don't waste my time. अर्जेंट में पैसे भेजो, अर्जेंट अर्जेंट अर्जेंट। अच्छा, तुम कहाँ मिलोगे, कहाँ पैसा भेजूं? सच्चा, ज्यादा होशियार मत बनो, मेरी बात सुनो। मैं ओडिंगा गार्डन में लवंग पोल के नीचे हैट में बैलून बांधकर उसे हवा में उड़ाते हुए मैं एक ऑस्ट्रेलियन पेपर अपने हाथ में लेकर आंख बंद करके बैठा रहूंगा। ठीक है। अरे वाह रे वाह, ये जयकाल तो साला सचमुच का सीआर निकला। लड़की की किस्मत खराब थी, वो गिर गई और ये मुझसे उसके गिरने का पैसा मांग रहा है। मैं तुझे ऐसा पैसा दूंगा कि तू जिंदगी भर बलून बेचता रहेगा। गोगी फास्ट, तुम अर्जेंटली उस गधे जयकाल को खत्म कर दो। लेकर आए हो क्या? Yes. Stupid! What is time? Why do you late? Every minute is special for Jaikal. You know how painful it is? How painful? Show me. Dollars or pounds? I show you. Come on, show me, show me. Come on, show. हाँ। Just one sec. You want to shoot me? Come on, shoot, 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 I say. Oh, no. Just wait. Yes, come on. Yeah. Yes. I don't think. Yeah. Turn that side. Come on, turn that side. Turn that side, I say. Hands up. अरे सच्चा, ये तूने क्या किया रे? मुझे मारने की धमकी लगा दी, भागो। Designed by Vamsi.
and gentlemen, ANZAD Australia has been sponsoring the South Asian Designer Show for quite some time now. We have many talented designers taking part tonight. And now, it is time for me to announce the winner. Bansi. नेहा की हालत देखकर मैंने ये डिसीजन लिया। तुम्हारी परमिशन के बिना मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया। I'm sorry. ए बंसी, बैग इधर रख। ए, पासपोर्ट इधर दे। शिल्पा अभी तक क्यों नहीं आई? अरे जरूर आएगी, वो तेरे साथ इंडिया आने की छोड़, शादी के मंडप में तेरे से पहले बैठ जाएगी। वो देख, वो आ गई। ए शिल्पा, देर क्यों हो गई? डैडी को फोन कर रही थी। पासपोर्ट दो, लगेज यहाँ रखो। ओके। स्नेहा का पासपोर्ट कहाँ है? स्नेहा, स्नेहा चलो पासपोर्ट दो। मैं इंडिया नहीं आ रही वंशी, मैं सीएफ बनने आई हूँ। मजाक बंद करो, पासपोर्ट दो। नहीं वंशी, मैं तुम्हारे साथ इंडिया नहीं आऊंगी। क्यों, क्या हुआ? इंडिया जाकर क्या फायदा, वहाँ मेरी तरह बहुत से मॉडल्स हैं, पर यहाँ तो इंडियन मॉडल्स की डिमांड ज्यादा है। मतलब तुम हमें छोड़कर यहाँ रहना चाहती हो क्या? ये बात नहीं है वंशी, कभी न कभी तो साथ छोड़ना ही था ना। अब देखो न वंशी, अब मुझसे भी अच्छे लोग तुम्हारी जिंदगी में आ चुके हैं। लेकिन तुम मेरी डियरेस्ट फ्रेंड हो। मैं चाहे कहीं भी रहूं, मैं ही तुम्हारी डियरेस्ट फ्रेंड रहूंगी। आई नो इट। पर तुम्हारे रिश्तेदार तो इंडिया। घर पे बात कर ली है, मैं यहाँ सिडनी में अपने अंकल। जल्दी करो वंशी, बोर्डिंग का टाइम हो गया। शिल्पा, मैं इंडिया नहीं आ रही, अब से तुम हमारे वंशी का ख्याल रखना। ये क्या बात है, तुम इंडिया कभी भी नहीं आओगी? आऊंगी, तुम्हारी शादी में जरूर आऊंगी। चलो चलो, देर हो रही है, चलो। पर तुम्हारे बिना हम कैसे जाएंगे? अरे मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे आइसक्रीम खाने जाना है, और तुम्हारी फ्लाइट का भी तो टाइम हो रहा है ना। चलो चलो जल्दी। ओके बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक वंशी। तुम्हारी फ्लाइट लेट चल रही है? कोई बात नहीं। ओ माय गॉड, फ्लाइट को आज के दिन ही लेट होना था। मैं बेबी को देखने के लिए कब से तरस रहा हूँ। डैडी, डैडी। ओ बेबी। मम्मा। शिल्पा, तुम ठीक हो ना? ये क्या, एयरपोर्ट लेने क्यों नहीं आए? मैंने कितना वेट किया पता है आपको? ओ बेटी, गलती मेरी नहीं, इसकी है। हाँ मैम साहब, मैंने अभी फोन किया था, एयर इंडिया की फ्लाइट 2 घंटे लेट चल रही है। अरे मैंने तुमसे सिंगापुर एयरलाइंस के बारे में पूछा था, तुम एयर इंडिया की बात कर रहे हो? अरे वो भी तो फ्लाइट है ना। शट अप। अरे वो क्या रोड पे चलती है, वो Baby, भी उल्टी आती है ना। तुम अभी मुझसे नाराज हो, डैडी को माफ नहीं करोगी, अब तुम्हारे लिए। नो डैडी प्लीज स्टॉप इट। अगर आप और मम्मी एयरपोर्ट पे आते तो मैं आपकी मुलाकात वंशी से करा देती। वंशी, ये कौन है? फेमस फैशन डिजाइनर। फैशन डिजाइनर? सच में डैडी, उसे ऑस्ट्रेलिया के इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में फर्स्ट प्राइज मिला है। मैं उससे प्यार करने लगी हूँ डैडी, और शादी करना चाहती हूँ। वो लड़का कौन है, उसके बारे में? बेबी, मैंने कभी तुम्हारी पसंद को नापसंद किया है, कल तुम उसको होटल में मुझसे मिलने के लिए। ओह डैडी, यू आर ग्रेट, आई लव यू। वंशी, क्या हो गया इसको? अरे अरे क्या कर रही हो, गिर जाओगी। बहुत खुश हूँ। अरे गिर जाओगी। मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, इसके ऊपर तुम्हारा कोई रिएक्शन नहीं, क्या हुआ है तुम्हें? अरे वो कुछ नहीं, ये इंडिया में आते ही आम खाने की बात कर रहा है। hey, तुम इसके पापा को फोन करो। मेरे पापा को? वो क्यों? वो क्या है ना, तुम्हारे पापा ने हमारी मैरिज फिक्स की होगी, पर मैं तो बहुत बिजी हूँ, 6 महीने वेट करने के लिए कहूँगा। 6 महीने वेट करूंगी? हाँ? यू इडियट,
मुझे लगा था डैडी टेंशन देंगे, पर नाटक तुम कर रहे हो। मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। आज शाम को डैडी ने तुम्हें बुलाया है, गो 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 गो। हेलो सर, वंशी। ओ कम ऑन, प्लीज बी सीटेड। शिल्पा ने तुम्हारे बारे में बताया था कि तुम्हारी पहचान उससे ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। हाँ सर, ये पहचान प्यार में बदल गई है ना। मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? सर इसमें क्या, आप अच्छे लगते हैं। नहीं, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। अच्छा आदमी होता तो इतना बड़ा एम्पायर नहीं होता। मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है सर। आप हमारी शादी कब करवाएंगे ये बताइए। तुझसे नहीं हो सकती, लेकिन मेरी बेटी की शादी होगी दूसरे के साथ। शादी में वो जो सिल्क की साड़ी पहनेगी उसकी कीमत 10 लाख रुपए, शादी में जो डायमंड के नेकलेस पहनेगी उसकी कीमत करोड़ों रुपए, शादी होने के बाद मैं अपना ये होटल उसको दे दूंगा उसकी कीमत 10 करोड़ रुपए है। तुम क्या दोगे? मैं आपके वंश को बढ़ाऊंगा। Shut up! How dare you talk to like that? I will kill you! अपनी एनर्जी वेस्ट मत करिए। एक तरफ आपकी सारी जायदाद और एक तरफ मैं खड़ा हो जाऊं तो भी आपकी बेटी मेरे पास ही आएगी। तुम यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो। अगर निकल गया तो अपनी बेटी की शादी करवाओ। वंशी! आप अपनी बेटी को करोड़ रुपया दे सकते हो, लेकिन वो प्यार करने वाला दिल सिर्फ मैं ही दे सकता हूँ। आपकी बेटी की शादी मुझसे ही होगी। शादी करवा के खुश रहेंगे या करोड़पति बन के तड़पेंगे, आपकी मर्जी। हेलो, हाय। हेलो, हाय। सोचा था वंशी को बुलाकर आप मेरी शादी की बात करेंगे, पर आपने तो उसे मरवाने की कोशिश की। ये सब क्यों किया डैडी? तो क्या हुआ, अपनी बेटी की खुशी के लिए? अगर आप अपनी बेटी को सच में खुश देखना चाहते हैं तो मेरी शादी वंशी से करा दीजिए डैडी, वरना मैं वंशी के घर चली जाऊंगी डैडी। रुको, तुम्हारी शादी किसके साथ होगी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। दिल्ली में मेरे दोस्त का बेटा है, उसके साथ तुम्हारी शादी होगी और तब तक तुम यहीं रहोगी। सुनिए ना, चलो यहाँ से। हेलो
वंशी, मुझे यहाँ नहीं रहना। डैडी मेरी जबरदस्ती शादी तय कर रहे हैं। अगर तुमने कुछ किया नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। वंशी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, सच में मैं अपनी जान दे दूंगी। शिल्पा, कैसी बातें कर रही हो? हिम्मत रखो, मैं अभी तुम्हारे घर पर आ रहा हूँ, देखता हूँ कौन क्या करेगा। नो वंशी, प्लीज यहाँ पर मत आओ। डैडी ने पहले ही तुम्हें मारने की कोशिश की थी। मैं आधे घंटे में वेंकटेश्वर टेम्पल में पहुँचने की कोशिश करती हूँ। तुम भी वहाँ पर आ जाओ, फिर हम दोनों वहाँ पे शादी कर लेंगे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। शिल्पा, मेरी बात सुनो। थे वो लोग और तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे? वो लोग गुंडे थे। वैसे कहाँ जाना है तुम्हें? वेंकटेश्वर स्वामी टेंपल। प्लीज मुझे वहाँ तक छोड़ देंगे? हाँ जरूर। डैडी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह लेटर लिख के घर छोड़कर भाग जाऊंगी, पर मेरा प्यार सच्चा है। डैडी, मैं वंशी से शादी करने जा रही हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। डैडी, आपकी शिल्पा। उठा ले गया ना। शिल्पा, शिल्पा रुको। बता मेरी बेटी कहाँ है, बोलो। ये क्या नाटक है? शिल्पा कहाँ है? आहा, वो कहाँ चली गई तुझे बिल्कुल पता नहीं है? तू नहीं जानता उसके बारे में? तेरे प्यार के चक्कर में वो घर छोड़कर तेरे घर पे चली गई और तू कहता कि तू नहीं जानता। तुझे तो सिर्फ पैसों से प्यार है, मैं समझ गया हूँ। कितना चाहिए? 10 लाख? 20 लाख? बोल कितना चाहिए। बस हो गया ना, आपकी बेटी को पहनाने के लिए एक हल्दी का धागा और हमें आशीर्वाद देने के लिए बस एक फूल चाहिए। आप देंगे क्या? लेके आऊं क्या? hey! तू ऐसे नहीं बताएगा। तुझसे तो सच उगलवाने के लिए मैंने पुलिस को बुलाया है, उनको तो सच बताना ही पड़ेगा। पुलिस क्या, भगवान भी अगर आए तो रोक नहीं सकते। देखना मैं तुम्हारी बेटी को कैसे यहाँ से उठाकर ले जाऊंगा, और शादी में आना मत भूलना। hey, मिस्टर, रुको, रुक जाओ। साहब, अरेस्ट करवा दिया क्या? आ,
आप तो मुझे वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल छोड़ने वाले थे ना, फिर यहाँ पर क्यों लाए? चढ़ाप हमारे घर की लड़कियों को किडनैप करता है, चल अंदर, तुझे बताता हूँ अभी। हेलो, मैं गिरधारी बोल रहा हूँ। नमस्कार सर। उसने मेरी बेटी के बारे में कुछ बताया? अभी तक तो कुछ नहीं बताया सर। उससे सर चुगलुआ नहीं तो तेरा ट्रांसफर पक्का होगा, डिसाइड कर लो। सर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ए सोडा लेके आ। क्यों, शराब पियेंगे क्या? नहीं, मैं तेरा खून पीऊंगा। तो रोज पीते हो, अभी कौन आने वाला है? इस वक्त मैं किससे मिलता हूँ? तो आपके बदले मैं ही बात कर लूं। क्या तू बात करेगा? कर सकता हूँ, लेकिन वो आपकी बेटी के बारे में बात करने आया है। ये बात तुझे पहले बताना चाहिए था। ये बात अपनी मुझे बतानी चाहिए ना, हाथ से बताते रहते हो। कौन है आप? तुम हो? तो तू क्या सोच रहा है कि मैं अब भी जेल में बैठकर चक्की पीस रहा हूं? मेरी सजा तो कब की खत्म हो गई, लेकिन तू शायद तारीख भूल गया। अब क्या सोच रहा है तू? मुझे मार देगा तो अपनी बेटी को पालेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। कमान कमान शूट। तू मुझे गोली मारेगा तब भी मैं नहीं मरूंगा। आंसू, दया और रहम से भरा हुआ मेरा ये दिल अब गुस्से से तुझसे बदला लेने के लिए वक्त के मारे हुए थपेड़ों से और मजबूत हो गया है। चल गोली चला के दिखा, ट्राई करके देख। मेरी बेटी कहाँ है? वो मेरे पास है, अब तक तो वो सही सलामत है। अर्जुन, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, मैं अपनी बेटी के बिना जी नहीं सकता। अर्जुन, ये सब जानकर ही तेरी बेटी को उठा ले गया था। मैंने जेल में कैसे कैसे दिन भुगते हैं, तुझे भी इसका एहसास होना चाहिए। मैंने जो नरक देखा है वो मैं तुझे भी दिखाऊंगा। अंधेरा होने पर चोर जिस तरह चोरी करता है, उसी तरह मैं तेरी नींदें चुरा लूंगा। तेरे पीछे रहने वाले, तेरा इंतजार करने वाले, उन सब के बाहर आने तक ये शेर बकरी का खेल चलता रहेगा। अगर मेरे पीछे अपने किसी कुत्ते को भेजा या पुलिस को भेजने की कोशिश की तो अपनी बेटी को भूल जाना।
जब से तुझको देखा है, ओ मेरे दिल में कुछ कुछ होता है। तुम मेरे जीवन में आए हो, हो खोना दो तुमको दिल डरता है। ये दिल तो तेरा हो गया, तेरे सपनों में खो गया, अब मेरी ही बन कर रहना। देखो क्या ये हो गया, ख्वाब देखा जो मेरी सच हो गया। मुझको तुझसे कुछ तो कहना है, हो तेरे दिल में अब तो रहना है। ये सच है या सपना जानू मैं, हाँ मस्ती में अब न जगाऊं मैं। है ताकत ये तो प्यार की, मस्ती दिल में भी है भरी, ये दुनिया जो चाहे कर ले। देखो क्या ये हो गया, ख्वाब देखा जो मैंने सच वो हो गया। मन मेरा बह के आज तो जीवन के मुझको प्यार दो, तुम ही हो मेरे दिल के राजा। तू मुझसे प्यार से मिले, मिलते ही दिल में राख ले, तू ही है मेरे दिल की मलिका। क्या सर, आप ये केस वापस ले रहे हैं? इसने तो आपकी बेटी को किडनैप किया है ना। इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, उसको रिलीज करो। सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई। शिल्पा कहाँ है? शिल्पा को किसी ने किडनैप कर लिया है। मैं जानता हूँ तुम भरोसा नहीं करो, लेकिन अर्जुन नाम के एक आदमी से मेरी दुश्मनी है। शिल्पा को उसी ने किडनैप किया है। वो जब मुझे फोन करेगा तभी तुम्हें यकीन होगा। हेलो, बेटी से अलग होकर तड़प रहा है, आंसू रुक नहीं रहे हैं क्या? अर्जुन, तुम मेरा बदला मेरी बेटी से क्यों ले रहे हो? चुप! तूने भी अपनी नाराजगी सिर्फ मुझ पर नहीं दिखाई थी, भूल गया? मैं इसको मारूंगा या जिंदा चला दूंगा। इसी डर से तेरी बेटी पल पल तड़प रही है, एक बार उससे बात करना चाहेगा? प्लीज प्लीज अर्जुन, तुझे खुश करने के लिए नहीं, तुझे और तड़पाने के लिए बात करवा रहा हूँ। चले बात कर। डैडी। बेटे तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है डैडी। अभी तुम कहाँ हो बेटी? डैडी मैं तुम्हें याद नहीं आ रहा बेटी? उसे याद नहीं आएगा। जिस तरह शेरनी अपने बच्चों को दांतों से काटती है, उसी तरह मैं भी तेरी बेटी को रोज तंग करूंगा, तेरी मौत की खबर सुनने तक करता रहूंगा। हेलो तुम मेरी बेटी से बहुत प्यार करते हो, ये मैंने पुलिस स्टेशन में देखा था। उसके लिए तुम अपनी जान भी दे सकते हो, मैं जानता हूँ। दामाद जी, कन्यादान होने के बाद जो पैर पकड़ना चाहिए था वो अभी पकड़ रहा हूँ मैं। मेरी बेटी को बचा लो प्लीज प्लीज। तुम दोनों की शादी मैं बड़ी धूमधाम से करवाऊंगा, प्लीज वंशी। अर्जुन कौन है? एक क्रिमिनल है। 10 साल पहले मैंने एक केस में उसके खिलाफ गवाही दी थी और उसे जेल हो गई थी। अब उसने जेल से आने के बाद मेरी बेटी को किडनैप कर लिया। वो किस जेल से बाहर आया? मुशीराबाद सेंट्रल जेल से। पांडे,
तुझे यहाँ रखना अब सेफ नहीं है। रास्ता देख कर नहीं चला सकते। I see. उस कैदी का नाम क्या है? अर्जुन। अभी अभी रिहा हुआ है। ये है, इसको तो मैं देख चुका हूँ। फिर तो ये अब्दुल भाई की गैरेज भी मिलेगा। अर्जुन से मिलने अब्दुल जेल में हमेशा आता था। अर्जुन भाई, ये गाड़ी आपको जंगल में भी परेशान नहीं करेगी। अब्दुल्ला कौन है? मैं हूँ। अर्जुन कहाँ? अर्जुन वो कौन है? ये क्या, पता नहीं तो भी मार रहे हो? क्योंकि मैं जानता हूँ तू झूठ बोल रहा है। यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना। जंगल में हर पेड़ पर मेरे आदमी तीर लेकर बैठे हैं। बिना सोचे समझे तुझे मार डालेंगे। बताइए ये लड़की कौन है? ये लड़की गिरधर प्रसाद की बेटी है। इसे यहाँ से भागने मत देना। ठीक है मालिक। तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ आया था। जरा रास्ता भूल गया। चिंता मत कर शिल्पा। मुझे लगा मैं तुम्हें दोबारा फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। मैं आज जान देने वाली थी। मैं आ गया हूं ना। वंशी, मुझे यहाँ से ले चलो। यहाँ से बचना इतना आसान नहीं। सुबह उठकर क्या कर सकते हैं सोचेंगे। काले रंग को मुझसे भी ज्यादा गोरा बनाने के लिए आपको चाहिए ये डाइट कोक। बस एक सिप लेते ही आपका रंग बदल जाएगा बिल्कुल मेरी तरह। किसको चाहिए ये? जल्दी बोलो किसको चाहिए? ये लो। Oh, my God.
इसमें इसकी कोई गलती नहीं मालिक, हम ही भयक कहते हैं। दुनियादारी ना जानने वाले लोगों के साथ खेलने की आदत तेरे बाप की तरह तुझमें भी है। अगर वापस इन लोगों से खेली तो तुझसे मैं नहीं, मेरा ये हथियार बात करेगा। वो लोग भाग रहे हैं, पकड़ो उनको। क्या हुआ शिल्पा? मैं बहुत डर गई थी, मुझे बहुत डर लग रहा है वंशी। मैं आ गया हूँ ना, तुम चिंता मत करो, चलो सो जाओ। वंशी, क्या हमारी शादी हो पाएगी? तुम अभी भी उसकी चिंता क्यों कर रही हो? सुबह होते ही तुम अपने घर चली जाओगी, फिर तुम्हारे डैडी से बात करेंगे। डैडी से बात करके डेट फिक्स कर लेना, ठीक है ना? मुझे भी उस बंदर की तरह झूलना है, प्लीज झुलाओ ना। शिल्पा तुम भी ना, तुम्हारी हरकतें बच्चों जैसी है। चलो ठीक है, चढ़ो। ये डर लग रहा है। अब डर लग रहा है। हेलो वेलकम।
तू भी हाथी पे बैठना चाहता है तो आजा। ओहो, अब तुम्हारी कमी थी। अपनी शादी के लिए हम तेरे हाथी को जरूर बुक करेंगे, ठीक है ना? चल उसे नीचे उतार। लड़की तो इसी हाथी पे रहेगी लेकिन तुझे स्ट्रेचर पे जाना पड़ेगा। ए, फोड़ डालो। कौन है तू? अगर जिंदा रहना है तो सच क्या है बता। गिरधारी प्रसाद ने मुझे भेजा है, जैसे उनकी बेटी मिल जाए इस लड़के को मारने के लिए कहा। अब समझ में आया ना इसके बाप का कैरेक्टर? तू यहाँ इसे बचाने के लिए आया है और उसने इसे यहाँ तुझे मारने के लिए भेज दिया। सर, या सर, क्या हुआ वंशी? मुझे इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? क्या बात है? क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी? क्या हुआ तुम्हें? सब बाद में बताता हूँ माँ। भैया ये मेरा ही बेटा है। मम्मी आप इनको जानती हो? जानती हूँ, ये तेरे पापा के क्लोज फ्रेंड हैं। तेरे पापा पुलिस ऑफिसर थे,
और अर्जुन फॉरेस्ट ऑफिसर थे। ये दोनों एक ही जगह पर काम करते थे। तुम कॉन्वेंट में पढ़ रहे थे इसलिए मैं शहर में रहकर यहाँ कभी कभार आती थी। इस एरिया का एमएलए अंजन प्रसाद और उसका भाई रमाकांत, ये दोनों गलत धंधा करते थे। चरण सिंह भी उनके साथ था। अर्जुन ने रमाकांत को अरेस्ट किया था इसलिए चरण सिंह ने अर्जुन की पत्नी और बेटी को किडनैप कर लिया। उनको बचाने के लिए तेरे पापा गए लेकिन चरण सिंह ने उन्हें मार दिया और अर्जुन की पत्नी और बेटी को भी मार दिया। उन बदमाशों को अर्जुन ने गिरफ्तार कर लिया लेकिन एरिया के एमएलए और डीएसपी ने मिलकर कोर्ट को यह भरोसा दिलाया कि चरण सिंह को माफ करना चाहिए और यहाँ तक कि सरकार ने जो उसे पकड़ने के लिए 10 लाख रुपयों का इनाम रखा था वो भी उसे ही देकर उसे आम आदमी की तरह जीने के लिए छोड़ दिया। जो हो रहा था उस अन्याय के खिलाफ अर्जुन ने अपने असिस्टेंट फॉरेस्ट ऑफिसर गंगाधर को भरोसे वाला समझकर उसे अपना गवाह बनाया लेकिन उसने गद्दारी की। हमारे एसआई साहब के बीवी और बच्चे शहर में रहते थे, वहीं एसआई के बीवी के साथ उनका कुछ रिलेशन बन गया होगा। मुझे लगता है ये बात एसआई साहब को पता चल गई होगी और एसआई साहब ने उनका खून कर दिया होगा। अभी मैं आपके सामने गुनहगार खड़ा हूँ, मुझे भी पुनर्वास चाहिए। देंगे क्या? मैं इन लोगों को मारकर जंगल में छुप जाऊंगा और अपनी पसंद के कपड़े पहनकर वो डीएसपी, एमएलए और एमपी को गोली मार दूंगा और आपके घर में आकर अपनी गंध रखकर सरेंडर कर दूंगा। तो आप मुझे पुनर्वास देंगे क्या? अच्छे चाल चलन के नाम पर बाहर आए हुए गुंडे, चोर, बदमाशों को बाल पोस कर और उन लोगों को बड़ा बनाकर असेंबली और पार्लियामेंट में बिठा देते हैं। उस समय मेरी अकेले की औरत का वध नहीं होता सर, भारत माता का वध होता है। I want to kill these decades, political decades। इतने सारे गुनाह किए हुए लोग आज हमारी सोसाइटी में बड़ा आदमी बनकर घूम रहे हैं। मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया फिर भी मैंने अपने अपनों को खो दिया और कैदी बनकर सजा काटी। आप पे हुए इस अत्याचार को जानकर सच में मुझे अपने पापा से नफरत हो गई। मुझे आज उनको अपना पापा कहने में भी शर्म महसूस हो रही है। उनको सजा मिलनी ही चाहिए। सजा सिर्फ तुम्हारे पिताजी को ही नहीं, उन सबको मिलनी चाहिए जिसने गुनाह किया है। हेलो, मैं गिरधारी बोल रहा हूँ। अपना स्पेशल जहाज मुझे अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है, क्या हुआ? कितनी दूर हो? हम आपसे सिर्फ 1-2 मील दूर है। हम आधे घंटे में पहुंच जाएंगे, ठीक है सर? लिसन, आधे घंटे में अपना जहाज यहाँ आने वाला है, उसमें बहुत सा सामान लदा हुआ है, उसे सही सलामत पहुंचाना। कम ऑन फास्ट। हे पीटर, What's happening? आधे घंटे से ज्यादा हो गया, अभी तक शिप दिखाई नहीं दे रहा मुझे, क्या हुआ? क्या हुआ है ये सुनने के लिए तुझमें ताकत है गिरधर? कौन है, कौन बोल रहा है तू? इस देश को बर्बाद करने के लिए विदेशों से हथियार लाने वाले तेरे गैंग का सर्वनाश करने वाला अर्जुन हूँ मैं। हथियार लाने वाला तेरा जहाज गायब हो गया, वो मेरे कब्जे में है। क्या बोल रहा है तू? अगर दम है तो ढूंढ ले। शिट। हेलो भरत, तुम कहाँ पे हो? अर्जेंटली तुम सब लोग मेरे पास पहुंचो, इट्स वेरी अर्जेंट। अरे 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 अरे, जहाज गायब हो गया तो आपको इतनी टेंशन लेने की क्या जरूरत है? तुम टेंशन की बात की लेते हो भाई। प्रेमचंद नाम का आदमी है ना, पुलिस डिपार्टमेंट में सिर्फ फोन करना है, वो उसे छोड़ देंगे। वो गन लेकर यहाँ पर स्पीड से पहुँच जाएगा, ये तो तुम भी जानते हो। तुम यार अर्जुन से डर गए, एक फोन कर दूं क्या? वो बात नहीं है यार, जैसे ही वो तुझे दिखाई दिया गोली मार देनी चाहिए। नो, हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। वो बहुत चालाक है, मेरी शिल्पा को किडनैप करके कहीं छुपा के रखा उसने। डैडी, डैडी, शिल्पा, बेटी शिल्पा। डैडी, डैडी, आपको देखने के लिए मैं कितनी तड़प रही थी जानते हैं? मैं कितना तड़प रहा था बेटी, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? डैडी, वो मुझे मारने ही वाला था, वंशी ने मुझे बचा लिया। बचा कर क्या फायदा, आपने तो मुझे मारने का प्लान किया था। क्या कहा, तुम्हें मारने के लिए? नो नो, अरे अब छोड़ो भी, वंशी छोटा है,
आपने मुझे मरवाने के लिए किसी को भी कह दिया होगा। मैंने किसी को नहीं कहा। अरे अगर हमें बचाना होता तो पांडे ने अर्जुन को मारना चाहिए था। लगता है आपने उसे कहा होगा पर उसे अच्छा नहीं लगा, अर्जुन ने उसे खत्म कर दिया। क्या कह रहे हो? जानते भी हो कैसे मारा? बलि में चढ़ाते वक्त मुर्गा पकड़ते हैं ना, पकड़ के धीरे 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 काट दिया। पका के खा भी गया। चुप रहे यार, वो तो हमें भी नहीं छोड़ता, पर हम भाग गए इसलिए बच गए। मैंने आपसे वादा किया था ना, आपकी बेटी को लेकर आऊंगा। काम हो गया, चलता हूँ। आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? साहब ने क्या कहा था? मेरी बेटी को जो बचा के लाएगा मैं उसकी शादी उसी से कर दूंगा। अब ये वादा पूरा करेंगे। करेंगे लेकिन अभी मुहूर्त ठीक नहीं है। बाद में टेलीफोन किया था ना, मेरी बेटी को जल्दी देखने आ जाओ, ऐसा मैंने खुद सुना। कितना भी मारो मैं नहीं बदलूंगा। लेकिन मैं इस वक्त शादी के मूड में नहीं हूँ, इसलिए मुझे किसी लड़की की जरूरत नहीं है। फिर क्या चाहते हो भाई? बदला, अर्जुन से बदला। अर्जुन से बना तुम्हारी क्या दुश्मनी है? बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि मेरे पापा को अर्जुन ने मार दिया था। यानी तुम फॉरेस्ट गार्ड गंगाधर के बेटे हो? हाँ, इकलौता बेटा हूँ इसलिए उसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं वंशी, ये बदले की भावना, ये सब कुछ छोड़ दो, चलो हम चल के शादी कर ले। मैडम एकदम सही बोल रही है, जल्दी से शादी करो और बेडरूम में ढिंचक ढिंचक करो। पागल हो जो बदला लेने की बात कर रहे हो? तुझे ज्यादा समझ में आता है बेटा? पहले अपनी दुश्मनी निभाओ, उसे देखते ही खत्म कर दो और फिर जाकर गंगा नहाओ। वंशी अगर तुमने दुश्मनी या फिर बदले की बात की तो हमारी दोस्ती खत्म, याद रखना तुम। बाय। बाबू मैडम जा रही है, पकड़ो। जा रही है तो जाने दो, उसको प्यार चाहिए और मुझे बदला चाहिए, चलता हूँ। मैं जाकर देखता हूँ। डैडी अर्जुन, डैडी जल्दी आइए, जल्दी आइए। रुक जाओ वंशी, मेरे पास मत आना, अगर पास आए तो इसे मार दूंगा। दरवाजा बंद करो डैडी, दरवाजा बंद करो। वंशी मेरे पास मत आना, नहीं तो वो तुम्हारी जान ले लेगा। डरो मत शिल्पा, मुझे कैसे बचना है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। क्या जानता है तू? जंगल में तो चोर की तरह भाग गया था। छोड़ो अर्जुन, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। बहुत हो गया वामसी, अब मैं तुझे देखता हूँ। क्या मुझे देखोगे? वामसी संभाल कर। मम्मी क्या वामसी वामसी कर रही है? पहले मैं इसे खत्म करूंगा, उसके बाद उन चारों को खत्म कर दूंगा। जब तक मैं यहाँ पर हूँ उन चारों को आँच नहीं आने दूंगा। अरे पहले अपने आप को तो बचा कर दिखा, उसके बाद उन लोगों को बचाने की बात करना। अम्मा ये आवाज इतनी मीठी कैसे आई? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? ऐसी बात नहीं है, आवाज आनी चाहिए था अम्मा, लेकिन यहाँ आवाज आ रही है अम्मा, इसलिए शक हुआ। ये सही था, मुझे बोल सकते हो ना? अर्जुन रुको, तुम कहाँ भाग रहे हो? तू आगे मत आ, मैंने तुझे कमजोर समझा था लेकिन मुझसे पंगा लेकर तूने बहुत बड़ी गलती की है। मैं उन चारों को मारने के लिए आया था लेकिन तेरा टाइम खराब है, अब तो तू गया। अर्जुन क्या कर रहे हो? खिड़की से छलांग मत मारना, मेरी बात मानो अर्जुन प्लीज। क्यों साहब? अंदर आपकी बेटी गुंडे के हाथ में फंस गई है, अपना जो हीरो गया है उसे उसे मारना चाहिए ना। लेकिन हीरो कह रहा है कि उड़ी मत मार, इसका क्या मतलब है? चल भाग। शिल्पा बेटा, वंशी दरवाजा खोलो बेटा। शिल्पा दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। वो भाग गया वरना उसको खत्म कर देता। जस्ट मिस्ड। मेरी बेटी कहाँ है? वो देखो डैडी, अर्जुन डैडी। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं, वंशी ने मुझे बचा लिया डैडी, मैं ठीक हूँ। अर्जुन ने ये पैकेट फेंका और भाग गया। क्या? पता नहीं, जाते जाते कह रहा था आप चारों फिनिश और ये छोड़कर चला गया। अरे डीसीपी जरा देख इसमें क्या है। अरे मैं क्यों देखूं? मैं क्या बेवकूफ हूँ? बम भी तो हो सकता है इसमें, तुम ही देखो भाई। तेरा क्या मतलब है? मैं तुझे रोड पर बैठने वाला क्या चिंदी चोर नजर आता हूँ? ये मैं नहीं करूँगा। अरे विशंबर तू देख उसमें क्या है, देख। हाँ मैं तो देखूंगा, ये तो गिफ्ट बॉक्स की तरह लग रहा है। नो, उसको छुओ मत। क्या छुओ मत? तुम तो ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे तुम बम हो। बम हो सकता है यार? हो सकता है, मतलब तुम्हारी जान जान है, मेरी जान की कोई कीमत नहीं। क्या कैसेट है, इतना डर रहे थे? औरों की जिंदगी से खेलने वाले दरिंदों, मेरी कैसेट तुम लोग जरूर सुनोगे, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ठीक 7 साल पहले इतवार के दिन मेरी माँ और मेरी पत्नी को तुम लोगों ने मार दिया था। अब आने वाले हर इतवार को मैं तुम में से हर एक को चुन चुन के मारूंगा।
ऐसी कैसेट है मैं दिन में सैकड़ों बार सुनता हूँ, तुम लोग ऐसे डर रहे हो। अबे चुप कर बे, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। मैं पहले इसका बदला लूंगा, आप सब लोग सीक्रेट जगह पे जाकर छुप जाओ। जिसको जहाँ छुपना है छुप जाए, मैं तो अपने फार्म हाउस पे जा रहा हूँ, वहाँ पर फुल सिक्योरिटी है। चलता हूँ भाई। फिर तो मैं भी चलता। अरे बेटा रुको, मैं भी चलता हूँ। अर्जुन वापस आएगा क्या? नहीं, वंशी चला जा रहा है। अर्जुन आ गया तो हमें कौन बचाएगा? ये एकदम सही बोल रही है। चलो वंशी, रुको वंशी, तुम कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ वंशी, छोड़ो मुझे बेटा, बदला लक्ष्य है। रुक जाओ वंशी, तुम्हें मेरी कसम, मान जा बेटा, मान जा मान जा। मैं रुकता हूँ सिर्फ आपके लिए। सुनो, तुम लोग बेडरूम में जाके कबड्डी कबड्डी खेलो, जाओ। कम ऑन मम्सी। हेलो हेलो, कौन है? अर्जुन। क्या हुआ, आज इतवार है, भूल गया क्या? आज इतवार का दिन है, तभी तो मैं बड़े आराम से पी रहा हूँ। मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ, पुलिस ऑफिसर हूँ। मैं तुझे मारकर एनकाउंटर अकाउंट में दिखा दूंगा। हिम्मत है तो पास आ। मैं तेरे पास नहीं आऊंगा, मौत तेरे पास आएगी। टाइम क्या हो रहा है देख ले। अब तेरी मौत सिर्फ 3 मिनट में आ जाएगी। आगे पीछे नहीं, नीचे देख। बड़ा बोल रहा था, ऐसी कैसेट मैंने बहुत सुनी है। मेरे फार्म हाउस पे फुल सिक्योरिटी है। अब देखो उसके मौत की खबर आ गई। अब बताओ उसकी मौत की खबर हमें कैसेट में सुननी पड़ रही है। और क्या, जैसा अर्जुन ने कहा था उसने इतवार के दिन मार दिया। अरे बाप रे बाप, गवर्नमेंट ने तो हमें इतवार के दिन छुट्टी का दिन घोषित किया है, पर दिन ही खराब है। इसने तो इतवार के दिन को मौत का दिन बना दिया है। तुम लोग टेंशन मत दो, वो यहाँ नहीं आ सकता। हम लोगों की हिफाजत के लिए यहाँ पे वामशी है ना। एमएम साहब, क्या है? वंशी बाबू, ए तू अंदर मत आना। साहब आप तो लुट गए। हो गया। क्या हो गया बे? अर्जुन आ गया क्या? ओ आज के दिन क्यों आएगा, आज इतवार थोड़ी है। कैलेंडर देखना भूल गया होगा। बताना क्या हुआ। अरे चंगू मंगू के सामने कैसे बोलूं, कान इधर लाओ। हट बे। आइए बाथरूम में जाके देखिए। मेरी बेटी वहाँ पे नहा रही है और तू अंदर देखने को बोल रहा है? मुझ पे भरोसा नहीं है ना, अभी दिखाता हूँ। शिल्पा मैडम। हाँ? वामशी बाबू। क्या है? अरे दोनों अंदर है, दोनों। क्या बात है, आप सब लोगों की शक्लें उतरी हुई हैं। मेरी बेटी के बाथरूम में तुम क्या कर रहे थे? इस बात का टेंशन है। अच्छा तुम दोनों बाथरूम में क्या कर रहे थे? आपकी बेटी बाथरूम का नल रिपेयर कर रही थी, मैंने जाकर हेल्प कर दी। अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। छोड़ ना, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? मेरी बात मानो बेटा, तुम हमारे लिए शिल्पा के लिए यहाँ रुक जाओ। यहाँ मैं कैसे रहूँ, हर कोई शक की नजर से देख रहा है। आई कांट टू मच। रुक, सॉरी अब तो ठीक है ना, रुक जा भाई। अभी तक नल ठीक नहीं हुआ है, ठीक करने को बोलो ना डैडी। जाओ नल ठीक करो, जाओ। ये क्या सर, नल ठीक करने के लिए दरवाजा बंद करने की क्या जरूरत है? मेरी बात सुन, वंशी शिल्पा के साथ रहकर हमको पागल बना रहा है। वो दोनों ज्यादा पास हो जाए हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्या करूं भाई, हमें उसकी जरूरत है ना। ये तो सही है यार, लेकिन हम लोग ऐसे ही देखते रहे तो वो आज तो सिर्फ हाथ लगा रहा है, अगर कल वो उसे लेकर भाग गया तो हमारी इज्जत की वाट लग जाएगी ना। इसीलिए तुमने जो दिल्ली वाला लड़का देखा हुआ है ना, उसके साथ शिल्पा की शादी करा दो बस। पर मैंने वंशी से वादा किया है शादी का, फिर वो चुप बैठेगा क्या? आपका वादा तोड़ना मुझे पीटने जैसा है। मेरी बात मान, वो बार बार कह रहा है कि मुझे शादी नहीं करनी, बदला लेना है। उसे उसी बात में उलझा रहने थे, जब तक वो सुलझे तब तक हम शिल्पा की शादी करवा देंगे, मैटर क्लोज हो जाएगा। सही बात है, तुम्हें किस बात का डर है? हाँ।
अरे मैं हूँ बकरी नागराज बोल रहा हूँ। नमस्ते। हाँ बताओ क्या बात है। हाँ कम ऑन माय सन। हेलो वाइस स्पीकर से अपॉइंटमेंट लेना है क्या? अरे भैया बहुत बिजी हूँ, अपने लड़के के लिए लड़की देखने आया हूँ। हाँ चलो बातों बात करता हूँ मैं। सुनिए। हाँ बोलिए। पुराना माने तो एक बात कहूँ, जब से आपका ये लड़का यहाँ पर आया है तब से मुझे ये वाइब्रेट मोड पर ही नजर आ रहा है। अच्छा ये लड़की को देखने के लिए इतना उतावला नजर आ रहा है? अरे नहीं नहीं, ये वाइब्रेट मोड पर नहीं है, ये स्विमिंग है। स्विमिंग, ये म्यूजिक के समुद्र में स्विमिंग कर रहा है। इसके सर पर जो वॉकमैन है ना, उसमें तरह तरह के गाने आ रहे हैं, उन गानों के समुद्र में डूब गया है। समुद्र से जल्दी बाहर निकालिए, मेरी बेटी आने वाली है। व्हाट डैड, हरी कमाल कर रहे हैं और आप डिस्टर्ब कर रहे हो। ये हरी कौन है? डैड ये कौन है? ये लड़की के चाचा है। हरी हरन कौन है ये नहीं जानता? डैड जिनको म्यूजिक पता नहीं उनसे आप रिश्ता बना रहे हो? नो दिस इज टू मच। अरे बेटा मेरे दोस्त को म्यूजिक का पता भले ना हो लेकिन शिल्पा को पूरा पता है। वहाँ देखो वो देखो। अरे मजा आ गया ना डैडी। ये कौन है डैडी, इस तरह लड़की के साथ चिपक कर आ रहा है? या इट इज टू मच। ये तो बचपन से बहुत क्लोज है। दोनों फेविकॉल में गिर गए थे क्या? चलो लेके आते हैं। शिल्पा ये सब क्या, तुम ऐसे ही चले आई? मुझे ये लड़का बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे शादी नहीं करनी। बेटा लड़के वाले बैठे हुए हैं, अब ये बोल रही है कि मैं इससे शादी नहीं करूंगी, ऐसा कैसे चलेगा बेटा? अब तुम ही समझाओ ना वामसी इसे प्लीज। शादी के लिए मनाना, सुहागरात की तैयारी करवाना, ये सब काम मेरा नहीं है, जानते हो ना मैं यहाँ क्यों? एक बार कर दो ना यार, ये शादी हो जानी चाहिए, मेरे भाई की इज्जत का सवाल है। उस लड़के के सामने इसको ढंग से रहने के लिए बोलो ना प्लीज। ठीक है ट्राई करता हूँ। ये उसके कान में क्या बोल रहा है डैड? वैसा कुछ नहीं है, लड़के का फेस है ना थोड़ा उदित नारायण की तरह, ऐसा बोल रही थी। मेरी शक्ल उदित नारायण से मिलती जुलती है। थोड़ा बाजू में देखना, थोड़ा इस तरह साइड एंगल से, तो मोहम्मद रफी है। मोहम्मद रफी आपका बेटा है। यू आर लकी। आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं, हम दोनों फ्रेंड्स की तरह हैं। मेरा बेटा बचपन से ही बिन माँ के पला बड़ा है, मैं ही इसका सब कुछ हूँ। आपकी ऐसी दोस्ती देख कर तो मैं बहुत खुश हो गया हूँ, मुझसे रहा नहीं जा रहा है, अब आंसू आने वाले। अरे बाप रे, मैं रोक नहीं पाऊंगा। यू नो समथिंग, यू आर माय फ्रेंड, यू आर माय फ्रेंड डैड, ही इज माय फ्रेंड डैड, मैंने एक अच्छे दोस्त को पा लिया है। कीप इट अप माय सन। मैं भी एक लड्डू खिला के आऊं। खिलाने के लिए मैं हूं ना, यही मेरा काम है। तू कुछ और ट्राई कर। ये चूड़ी पहन लो। मुझे नहीं पहननी। तो फिर मैं पहनाऊं? क्यों पहनाओगे, तुम चूड़ी वाले हो, मुझे नहीं पहननी। ए फ्रेंड तुम इस लड़की के क्लोज हो ना, तुम कहोगे तो पहन लेगी ये। हाँ पहना देंगे। तुम इसे मना लो ना। ये लेन देन से मैं नफरत करता हूँ, हटाओ इसे। अरे बेटी तुम इसकी बात मान क्यों नहीं जाती? मैं कभी नहीं पहनूंगी। अगर ये नहीं पहनेगी तो मैं ये शादी नहीं करूंगा। अरे वो चली गई, तुम ही उसे मना लो ना। जल्दी जाओ, देर ना हो जाए। ए बाबू जल्दी जाओ बेटा। ए बाबू मना लेना। नो मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानूंगा। अरे बेटा नहीं मानूंगा, मेरी बात तो मानो ना। अरे बेटा तुम गलत समझ रहे हो, ये दोनों तो कजिन है ना। कजिन है या कॉकरोच है, कजिन के सामने कपड़े बदलती है, कजिन के साथ डांस करती है, बंदर के बच्चे की तरह उसको पकड़ कर घूमती रहती है। ये देखो ये देखो, इस तरह कोई रहता है क्या? What are you doing? You know something? You are not my friend. You are not my friend. Dad, he's not my friend. Don't worry, my son. I'm your friend. Yes, I am your friend. Come on. तुझे इससे ज्यादा खूबसूरत लड़की मिल जाएगी। क्या बेटे क्या कर रहे हो, तुमने सब चौपट कर दिया। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो बदला लेना चाहता हूँ, आप लोगों ने मुझे फंसा दिया है। वो तो अच्छा खासा बदला लेने के लिए मरा जा रहा था, तुम्हें बोले पटाओ पटाओ पटाओ, सब चौपट हो गया। ए जेम्स बॉन्ड, अपने आप में क्या गिनती कर रहे हो? खत्म हो जाएंगे आज आप लोग, फिनिश्ड। आज कैसे खत्म हो जाएंगे, आज इतवार थोड़ी है। इतवार नहीं है, सोचकर हाथ हिला रहे हो, आपका प्लान बन रहा है? कौन बना रहा है? क्या बेटा तू हमारा डिजाइन बना रहा है क्या? अंकल आप लोगों का डिजाइन बना रहे हैं। मैंने अभी अभी अंकल को अर्जुन से बात करते सुना, आप दोनों और दिल्ली के डाकू को अगर अंकल ने खत्म कर दिया तो अर्जुन उनकी लड़की को कभी हाथ नहीं लगाएगा। हमारा दोस्त हमें मार देगा, इसमें उसको क्या फायदा है? ये जायदाद सब किसके नाम पर है? हम चारों के। अगर आप तीनों मारे गए तो सारी जायदाद अकेले अंकल के नाम पर हो जाएगी। हमारा भाई हमें मार देगा? बेटे मुझे विश्वास नहीं। शट अप,
तुझे विश्वास नहीं हो रहा है क्या? ऊपर जाकर विश्वास करेगा, मुझे भरोसा है। आज मौत पक्की है। ए, तेरे हाथ में क्या है? जहरीला पॉइजन है। हमारे पूरे घर में दो बड़े बड़े मोटे मोटे चूहे घूम रहे हैं। साहब जी ने ऑर्डर दिया है कि वो बचने ना पाए। आज वो खत्म। देखा ना, अकेले। भैया आओ ना, आइए, आप लोगों के लिए सेवइयां बनवाइए। दो बड़े चूहे, जहरीली पॉइजन, स्कॉच में मिलाएंगे, स्पेशल सेवइयां, अकेले। भैया आइए ना, मैंने खड़े होके आप लोगों के लिए सेवइयां बनवाई है। अरे अरे, हम लोगों के लिए इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी? आप लोगों के लिए तो मैं अपनी जान दे सकता हूँ, सेवइयां क्या चीज है। की बात मत कर भाई, प्यारी काफी है। ठीक है भाई, मजाक बाद में करेंगे। पाप हो गया, पाप हो गया। ए, सच में मैं काशी गया था, मैंने कसम ली कि मैं मीठा खाना नहीं खाऊंगा। ठीक है, लो तुम। आजकल मुझे ना शुगर बढ़ गया है, डॉक्टर ने मना किया है, तबीयत खराब हो जाएगी। मैं चिकन खा लेता हूँ अकेले। बाप रे, ये भी नहीं। अंकल अगर आप चाहें तो डैडी आपको शुगर टैबलेट दे सकते हैं, आप लेंगे क्या? कुर्सी पे बैठो। आज तो मुझे अर्जुन की बहुत याद आ रही है डैडी, वंशी की गोद में मैं बहुत ही सेफ हूँ। अरे वाह सेवैया, इसे तो मैं ही। शिल्पा ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये अंकल के लिए बनवाया मैंने, ये तुम नहीं खा सकती। शिल्पा तुम सेफ लिए गुलाब जामुन खाओ। बेबी वंशी के हाथ से गुलाब जामुन मीठा लग रहा है ना? सुपर। भैया मैं जाके शुगर टेबलेट लेता हूँ। शिल्पा तुम बताओ शुगर टेबलेट कहाँ है, चलो मेरे साथ। वंशी बाबू की बात मान कर कितना फायदा हुआ, पैसे का पैसा मिला और मलाई वाली सेवैया भी मिली, मजा आ गया। सेवई से काम नहीं हुआ तो पॉइजन की टेबलेट लेने चला। क्या हुआ इस बिल्ली को? मर गई। लगता है इसकी उम्र खत्म हो गई है। उम्र खत्म नहीं हुई, सेवई खाई और मर गई। कहीं आप लोगों ने तो नहीं खा लिया? नहीं नहीं, हमने नहीं खाई। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हमें भूख नहीं है। मैं टेबलेट लाया हूँ ना, तुम ले लो। ले लो ले लो। कौन कहा है? ये इतना बड़ा धोखेबाज है, मैंने कभी सोचा नहीं था। वो हम दोनों को मारना चाहता था, उसे नहीं छोड़ेंगे। पैसा यार, पैसा। ये पैसे के कारण ये सब कुछ कर रहा है। अर्जुन का ही फोन होगा। हम जिंदा हैं या मर गए ये जानने के लिए फोन किया होगा उसने। उठा उठा। मैं पांडू बोल रहा हूँ। मैं वंशी को मारने गया तो अर्जुन ने उसको बचा लिया, वो दोनों मिल गए। किसका फोन है? अर्जुन का। वो फोन इधर दो, मैं उसे फोन में ही खत्म कर दूंगा। फोन पर क्यों, डायरेक्ट चलकर मारते हैं। डायरेक्टली अर्जुन को हमारे लोगों ने पकड़ लिया है। अब तेरा बदला लेने का टाइम आ गया है, चल। ऊपर लटका के रखा है भाई। वंशी वहां अर्जुन को ऊपर बांध कर रखा है। वंशी हमें डराने वाला और तेरे बाप को मारने वाला अर्जुन ही है ना, हम उसे खत्म करें या तू उसे खत्म करेगा? दुश्मनी का बदला लेने के लिए कह रहे थे ना, बदला लेने का समय आ गया है। ये लो पकड़ो, उसके सीने को छलनी कर दो। हम तो तेरे बारे में पहले से ही जान चुके थे, तो तेरे हाथ में भरी पिस्तौल कैसे देते? जरा वहां देख। अब तू अपना ये नाटक बंद कर और हमें बता दे कि अर्जुन कहाँ छुपा बैठा है। अगर नहीं बताया तो जान से जाएगा। Oh!
मैंने मेहनत करके जो इतना बड़ा साम्राज्य बनाया सब खत्म, और मेरा ये साम्राज्य तुम्हारी वजह से खत्म हुआ, तुम्हारी वजह से। चरण सिंह तुम नाराज मत हो। No, I don't want to listen a single word. चरण सिंह तुम क्या कह रहे हो और क्या कहना चाहते हो मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। आखिर हुआ क्या? एक महीने के लिए मैं बाहर क्या गया, उस अर्जुन ने मेरा पूरा साम्राज्य खत्म कर दिया। उसने पार्टनर्स के साथ साथ आदमियों को भी मार दिया, और यहाँ तक कि हमारे सारे जहाजों को तबाह कर दिया। पार्टनर मर गया, इसकी चिंता नहीं है। जहाज गायब हो गया, करोड़ों का नुकसान, बस यही ना। Idiot, you fool, you don't know. अरे उसने जो जहाज गायब कर दिए उसमें हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा था। पाकिस्तान की ISI से सेटिंग करके वो हथियार मंगवाए थे मैंने। कितना बड़ा नुकसान हुआ, पूरा का पूरा शहर तबाह कर सकते थे हम। यू नो, मुझे वो जहाज चाहिए, हर हाल में वो जहाज चाहिए, और उस जहाज को गायब करने वाला अर्जुन मुझे किसी भी कीमत पे जिंदा चाहिए। यस, अर्जुन मुझे जिंदा चाहिए। नो, अर्जुन का मरना जरूरी है। अगर वो मर गया तो मुझे मेरे हथियार नहीं मिलेंगे, मैं रिस्क नहीं ले सकता। मुझे अर्जुन जिंदा चाहिए। मेरा बदला पूरा करने के लिए उसे मरना ही होगा, वो भी मेरे हाथों से। नो, वो मुझे जिंदा चाहिए। वो मेरा शिकार। वो नहीं है, नया नया है क्या? यहाँ नया तू आया। वंशी, जोश में बताओ। चरण सिंह, प्लीज प्लीज। अर्जुन हमें जिंदा चाहिए, तुम उसको मारना चाहते हो, यही ना? इसका एक ही उपाय, कम पहले अर्जुन को पकड़ के यहाँ लाओ, हमारा काम खत्म होते ही उसे हैंडओवर कर देंगे और तुम अपना बदला ले लेना। ओके ओके। कौन है ये? अर्जुन को मारना क्यों चाहता है? ये उसी फॉरेस्ट गार्ड गंगाधर का बेटा है वंशी। गंगाधर का बेटा? नहीं, ये गंगाधर का लड़का नहीं है। ये तुम्हें कैसे मालूम? मुझे कैसे मालूम है? ये देख, ये है गंगाधर का लड़का। 6 साल की उम्र से मेरे साथ है ये, मैंने पाला इसे। अर्जुन से बदला ये लेना चाहता है, अब मजा आएगा। हम उसकी असलियत जान चुके हैं, ये बात उसे मालूम नहीं है। ये हमारे लिए एडवांटेज है, दोनों आएंगे, हमारा काम खत्म होते ही हम अर्जुन को मार देंगे, और उसके बाद इस वामसी का भी काम तमाम कर देंगे। हूँ, वामसी। क्या हुआ शिल्पा? वो लोग तुम्हें जान से मार देंगे, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम नहीं जानते, वो लोग इंसान नहीं है, राक्षस है। वो लोग कभी भी यहाँ पर आके तुम्हें जान से मार सकते हैं। मेरी बात सुनो वंशी, हम ये शहर छोड़कर चले जाते हैं। मतलब पापा की मौत और अर्जुन की दुश्मनी को भूलकर चले जाऊं? अर्जुन अर्जुन अर्जुन, जब से वो जिंदगी में आया है हमारा जीना हराम हो गया है। अगर उसने मुझे किडनैप नहीं किया होता तो अब तक हमारी शादी हो चुकी होती। इस बदले की आग में तुम इंसान से राक्षस बनते जा रहे हो। वंशी मेरी बात मान लो। अब कुछ मत बोलो। कहाँ जा रहे हो आप? सच में क्या हुआ था आप जानते हो? चरण सिंह यहाँ पर आ गया है। तुम गंगाधर के बेटे नहीं हो, ये उसको पता चल गया, और उसे ये भी पता चल गया है कि हमने वो जहाज कहाँ छुपाया है। तुम खड़े खड़े देख क्या रहे हो? चलो चलते हैं। वो
वामसी, चरण सिंह फर्स्ट एसी बी बोगी में बैठा है और पीछे फर्स्ट क्लास में गिरधर और उसके साथी हैं। तुम उनके पास जाओ, मैं इनके पास जाता हूँ। अभी रुक जाओ, ट्रेन स्टार्ट होने दो। तुम? मैंने तुम्हें कितना समझाया तुम समझते ही नहीं। तुम्हारे बदले से बढ़कर हमारा प्यार है, अर्जुन ने मुझे यहाँ भेजा है। मतलब अपने प्यार के लिए कुछ भी हो जाए तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा।
अर्जुन, उस दिन तेरे बीवी और बच्चों के साथ तुझे भी मार देना चाहिए था। मैंने तुझे छोड़ के गलती की। तलाशी लो। अर्जुन, तूने हथियार वाला जहाज कहाँ छुपाया? बता बता। नहीं बताए तो तू मरेगा। जिस दिन तुम लोगों ने मेरी पत्नी और मेरी बेटी को मारा था, मैं तो उसी दिन से ही मर गया था। मुझे मौत से डर नहीं लगता। ऐसे ही वक्त यह बम फट गया तो तुम लोग भी मेरे साथ मरोगे। I will kill you. रुको। अपना जहाज कहाँ है सिर्फ ये जानता है। रुक जाओ। अर्जुन, मेरा जहाज कहाँ है? अगर तुमने ये नहीं बताया तो वंशी उसके हाथों मारा जाएगा। जहाज? No! Kill him! इसमें गोली नहीं है। उनको नहीं छोड़ोगे तो इसे मार डालूंगा। Oh,
इसे जान से मार दूंगा मैं। चल अंदर। दुश्मनी खत्म हो गई, प्यार जीत गया, तुम दोनों शादी करके खुशी से जी सकते हो। आप भी हमारे साथ रहिए ना प्लीज। वंशी बिल्कुल ठीक कह रहा है, आप चलिए ना। मैंने अपनी पत्नी और बेटी को खोया है, इस दर्द को मिटाने के लिए मैं जंगल में रहना चाहता हूँ पुराने साथियों के साथ।